खबर है नुमानगढ़ के टिब्बी से, जहां पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी एवं भारत की जनवादी नौजवान सभा ने संयुक्त रूप से शहीद दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और भगत सिंह चौक पर सांकेतिक जाम लगाकर के विरोध किया। माकपा नेता जसविंदर सिंह सहूता ने कहा कि लंबा समय बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन रवि मेघवाल और पवन व्यास की हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे पूरे जिले में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। जिले में अवैध नशे के कारोबार से युवा वर्ग नशे की चपेट में आने से पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। भगत सिंह का शहादत दिवस है, इस मौके पे DYFI ने पूर्व में प्रोग्राम बनाया था कि अगर हमानगढ़ की पुलिस विजय जो मेघवाल है उसके हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 23 मार्च वाले दिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी DYFI मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आज फिर दोबारा ये मांग करते हैं रवि के हथियारों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए, अंतः बड़े आंदोलन का रूप धारण करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।